हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप विद फैमिली बहुत ही अच्छे होंगे अपने घरों में। जैसा कि आपको पता है कि हमने 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर लिया है, तो अब हम 11th क्लास के सिलेबस को फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। हम अपने चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत ही अच्छी और इजी वे में स्टडी से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइएगा और 11th क्लास का जो फर्स्ट लेक्चर हमने मैराथन क्लास के रूप में रखा है उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको जनरल फिजिक्स के बारे में पता लग जाए कि ये कहाँ से जनरेट हुई है, क्या इसके अंदर होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ऐसे ही दो दो करके कर लेते हैं फ्रेंड्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस फर्स्ट, कि फोर्सेस ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शंस बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ये वो फोर्सेस हैं जो कि दो बॉडी के मासेस की वजह से आपस में एक दूसरे पर लग रहे हैं और अट्रैक्शन की वजह से, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, हम पहले बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट की वजह से चार्ज और मैग्नेटिक, ठीक है। चार्ज की वजह से मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसी की वजह से जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हैं वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहलाते हैं। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रेंड जो होते हैं फोर्सेस, वो क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों इनसेपरेबल हैं, आपस में सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो इसी कारण इन दोनों से मिलकर के जो फोर्स बना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम दे दिया गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस का भी आपको पता है कि आपने लिख रखा है कि जो है दोनों मास की प्रोडक्ट, ठीक है, m1 m2 न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग और डिवाइड बाई में आर, जो डिस्टेंस इन बिटवीन है उनके स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे हम जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये है आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं, देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज रेस्ट पे हो तो कोलाम लॉ पे डिपेंड करेंगे। कोलाम लॉ सिमिलर है बिल्कुल न्यूटन लॉ के, वो यहाँ पे मास के ऊपर बात करता है, यहाँ पे चार्ज के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट, दो चार्ज हैं जो, और डिस्टेंस बिटवीन दैम उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वेयर के होता है, और यहाँ पे हम के कोई भी कॉन्स्टेंट लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसको हम कोलाम्स लॉ बोलते हैं। इसको कंप्लीट जो है इसके बारे में डिटेल आती है आपकी 12th क्लास के अंदर। तो और दोनों मिलकर के देखिएगा मैग्नेटिक फोर्सेस, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस, ये भी आपको मैग्नेटिक फोर्सेस भी 12th क्लास के अंदर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो वो आप जो है वहां पढ़ेंगे। दोनों से मिलकर के जो बना फोर्स वो क्या कहलाया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब देखिएगा इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ये क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से। ये क्या है? यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, रिपल्सिव नहीं होते। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल मीन्स जो अर्थ की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं वो यूनिवर्सल क्या है? अट्रैक्टिव, हमेशा ही एक बॉडी को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करते हैं। मैंने जैसे ही इसको ऊपर की तरफ फेंका तो ये वापस नीचे आ रहा है, मीन्स अर्थ के कारण आ रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं।
दीज फोर्सेज आर वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर, सबसे वीक फोर्स है नेचर के अंदर, फंडामेंटल फोर्सेज के अंदर से. दे ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक ऑपरेट करते हैं. सेंट्रल फोर्सेज हैं, मीन्स कि बॉडी के सेंटर से जो एडज्वाइनिंग लाइन है उस पर एक्ट करते हैं. और कंजर्वेटिव हैं, मीन्स एक जैसे या कंजर्वेटिव मीन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टाइप में लगते हैं बॉडी के सेंटर पे. इसी तरीके से आप जो है करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज की, दे फोर्सेज में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव. देखिएगा अब अगर मैग्नेटिक फोर्सेज थे तो वो नॉर्थ और साउथ पोल की इन बिटवीन लग रहे थे, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्सेज थे तो क्या लग रहे थे, दो चार्जेज के बीच में लग रहे थे. अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज भी हो सकते हैं. अगर ये आपस में दोनों चार्जेज सेम नहीं है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, अगर सेम है तो रिपल्सिव फोर्स हो गया. ऐसे ही अगर नॉर्थ और साउथ पोल है तो क्या हो गया, अट्रैक्टिव, और अगर मान लिया नॉर्थ और नॉर्थ हो जाए या साउथ और साउथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस. तो ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी. अब सबसे कमजोर जो फोर्सेस थे फंडामेंटल फोर्सेस में से वो माने गए ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ये क्या है, इनसे 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से. दे ऑपरेट ओवर डिस्टेंस विच इज नॉट वेरी लार्ज, ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक जो है नहीं करते ऑपरेट. सेंट्रल फोर्सेज हैं, ये भी सेंटर की साइड में ही लगते हैं, सेंटर पे ही लगते हैं, और ये भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, कांस्टेंट टाइप में लगते हैं. और देखिएगा फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, ये भी क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं. क्या यही लिख लेते हैं हम, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेंगे, और ये भी सेम बिल्कुल दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं. इसका मतलब क्या है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देखो नीचे जो आया है ना आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के हैं. नीचे जो है स्क्वायर का फैक्टर है, सिंपली ऐसे जान लें तो उसको हम बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहे हैं, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं. और ये कौन कौन से लॉ को जो है गवर्न कर रहे थे, कूलॉम लॉ को और आपके न्यूटन लॉ को भी ये गवर्न करते हैं. और ये देखिएगा ये क्या है आपका जो है, ये किसके इक्वल ने बताया, दोनों प्रोपोर्शनल हैं, दोनों मासेज की, बॉडी के मासेज की प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज मास. तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है बॉडीज के उनकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये हमारे पास में. तो ये है आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में मेन पॉइंट्स. अब देखिएगा नेक्स्ट जो है इससे आगे वो है वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे. यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा आशा करता हूं. अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट के अंदर कमेंट करिएगा जाकर के, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं. नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, फोर्सेस बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट लाइफ टाइम. शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए जो एग्जांपल के तौर पे बीटा डीके के अंदर जो फोर्सेस होते हैं उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जो लगते हैं. अब एलिमेंट्री पार्टिकल आया है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स एलिमेंट्री होता है प्राथमिक. तो प्राथमिक पार्टिकल्स मीन्स क्या है कि आपके जो लेप्टॉन मेजॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर काउंट होते हैं स्टूडेंट्स. लेप्टॉन और मेजॉन ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट हैं. तो उनके बीच में जो फोर्सेज लग रहे हैं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. अब है क्या ये फोर्सेस बिटवीन लेप्टॉन मेजॉन, देखिएगा यहां पे लिखा गया लेप्टॉन और मेजॉन के बीच में, ये दोनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, या फिर लेप्टॉन लेप्टॉन के बीच में या मेजॉन मेजॉन के इन बिटवीन लग रहे हैं जो फोर्सेस, उन फोर्सेस को हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस.
ये जो है 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। अब देखिएगा 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो गई ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से कितने हो गए कम, 13 हो गए ना, सो 11, 10^11 लेस स्ट्रॉन्ग है उनसे। दे आर ओनली थ्रो न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज के थ्रू लगभग जो है 10^-15 मीटर इतने तक ये क्या करते हैं लगते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखिएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस ऑन न्यूक्लियॉन्स, क्या है न्यूक्लियस में लग रहे हैं बट न्यूक्लियॉन्स पे लग रहे हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन, और आपको पता है कि एक एटम, एटम की स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं तो हम न्यूक्लियस इसको बोल देते हैं, तो ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके जो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो हैं एलिमेंट्स मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। उनके इन बिटवीन जो फोर्सेज लग रहे हैं, वो जो बांधे हुए हैं न्यूक्लियस को, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये क्या है, नेचर के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, और 10^2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से, और 10^13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से। स्ट्रॉन्गर होते हैं 10^38 टाइम्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से 10^30 टाइम्स, और 10^2 टाइम्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से। इनके भी यह है शॉर्ट रेंज है इसी की तरीके से, क्या है जो कि आपकी न्यूक्लियर का साइज है, न्यूक्लियर साइज की तरह इनकी भी रेंज शॉर्ट है, न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगते हैं। डिपेंड्स नहीं करते कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसा भी चार्ज हो उस पे डिपेंड नहीं करते हैं। नॉट ओबेज इनवर्स स्क्वेयर लॉ, इनमें कहीं पे भी इनवर्स स्क्वेयर लॉ का फैक्टर नहीं आया, डिवाइड बाई में इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है किसी ऐसे फैक्टर के, तो इसलिए इनवर्स स्क्वेयर लॉ को ओबे नहीं करते। बेसिकली ये क्या है, अट्रैक्टिव जो है नेचर के होते हैं, होते हैं बहुत ही ज़्यादा लेंथेज के अंदर रिपल्सिव के, बट जो है बहुत मोस्टली क्या है, हम बेसिकली इसको अट्रैक्टिव लेकर के चलते हैं। क्या अब फोर्सेस क्या है, देखिएगा ये जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के इन बिटवीन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर, तो यही होंगे ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इन बिटवीन फोर्सेज लग रहा है, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के इन बिटवीन फोर्स लग रहा है, वो फोर्सेज क्या है हमारे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि ये नॉन सेंट्रल होते हैं, दोनों के लिए ही है ये, वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए, सेंटर की साइड में कोई गारंटी नहीं है कि सेंट्रल फोर्सेज हैं ये, ठीक है, वो क्या है सेंटर की साइड में मीन्स एडजॉइनिंग सेंटर की साइड में नहीं लगते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव होते हैं मीन्स कॉन्स्टेंट भी नहीं होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो ये था फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेज मीन्स ये जो चार फोर्सेज हमने बताए, चारों फोर्सेज क्या हैं, दोनों डोमेन्स पे काम करते हैं, मीन्स मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स पे भी, मीन्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और अगर हम कहें साइज में बड़े ऑब्जेक्ट, तो उन दोनों पे ही ये काम करते हैं, तो दोनों के अंदर हम इनको यूज करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। वैसे तो फोर्सेस बहुत सारे हैं फिजिक्स के अंदर कितने, बट उनको क्या किया गया है, इन एक पार्ट के अंदर कंबाइन कर लिया गया है एक टाइप में। ये फोर्सेस मेन हैं जो कि फंडामेंटल आधारभूत हैं, मतलब जो आधार है मीन्स टाइप में सब फोर्सेस का, तो ये फंडामेंटल फोर्सेस हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। फोर्सेस और टाइप के कैसे, आप जो है कि जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा बायोन्स फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, इस टाइप में बहुत सारे फोर्सेस आएंगे हमारे पास में, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं ये सब फोर्सेस ही हैं, बट ये हमारे चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनको याद रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को।
थैंक यू।